भारत में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। तीसरे दिन भी मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटों में 86,432 नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमण से 1,089 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गई है। जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 40,23,179 हो गई है, जिसमें 8,46,395 सक्रिय मरीज हैं, जबकि 31,07,223 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना से 59,561 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस की वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए रूस की राजधानी मॉस्को के 3 क्लिनिकल में पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी मॉस्को के डिप्टी मेयर ने दी है। उन्होंने कहा कि मॉस्को चिकित्सा संस्थान ने पोस्ट ट्रायल के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला बैच हासिल किया है। अगले सप्ताह से शुरू होने वाली स्टडी के लिए चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से तैयार है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने के लिए दिल्ली से एक केंद्रीय टीम राजधानी रायपुर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक 3 सदस्यीय टीम 6 दिन तक छत्तीसगढ़ के कोविड-19 अस्पतालों का मुआयना करेगी। खासतौर पर टीम रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर जाएगी, जहां पर सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक टीम एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे केंद्र के सामने पेश करेगी। केंद्रीय जांच टीम में NICMC के डॉक्टर अनुभव सिन्हा, दिल्ली अस्पताल के डॉक्टर गीता यादव और NCDC के डिप्टी डायरेक्टर अनुभव श्रीवास्तव शामिल हैं। भारत में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच दिल्ली एम्स प्रमुख ने एक महत्वपूर्ण बयान दे करके सबको चौंकन्ना कर दिया है। दरअसल एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस महामारी 2021 में भी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि दिल्ली समेत कई राज्य हैं जहां पे संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कबीरनगर थाना में पदस्थ एक ASI की मौत हो गई है। शुक्रवार को बुखार और सांस लेने में तकलीफ के बाद 55 वर्षीय उत्तरा कुमार नेताम को एम्स में भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। एम्स में उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया था। फिलहाल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण से उसकी मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रोजाना 2000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच गया है। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में कोरोना का इलाज जारी है, लेकिन ऐसी ढेरों शिकायतें आ रही हैं जिसमें निजी अस्पतालों में लूट के आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि निजी अस्पतालों में लाखों के बिल कोविड इलाज के नाम पर लिया जा रहा है। कहीं कहीं पर रिपोर्ट में देरी भी बताए जा रहे हैं और इसके आड़ में जमकर वसूली की जा रही है। यह भी आरोप है कि गरीबों को अस्पताल नसीब नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि उन्हें बेड तक की सुविधा नसीब नहीं है।